हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी सा, बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आने वाला। आप इसे लंच बॉक्स में या फिर टी टाइम स्नैक्स में या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किसी में भी सर्व कर सकते हो। सभी में ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। या फिर आपको कभी छोटी सी भूख लगी है तो उसमें भी आप इसको बनाकर खाओ तो भी बहुत पसंद आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्विक सी हेल्दी रेसिपी को। इसके लिए सबसे मैं पहले लूंगी एक कढ़ाई, उसके अंदर मैं डालूंगी 2 कप गेहूं का आटा। इसी के अंदर आधा कप मैं सूजी डालूंगी और 2 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे बेसन। ये मेजरमेंट सारा का सारा वही है जो मैंने आटे का डोसा बनाया था, वही वाला सेम है। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप दही और अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे। उसके बाद में हम आधा दही और आधा पानी लेकर फिर डालेंगे बैटर, या फिर आप चाहो तो पानी से भी घोल कर इसे रेडी कर सकते हो। अगर आप इसको सूजी से बनाते हो तो अगर आप ओवरनाइट सोक करके रखते हो सूजी और दही को तो भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो टोटल मेरा इसके अंदर 3 कप पानी लगा था और अच्छे से इसे हमें लम्स नहीं रहे तब तक इसे मिक्स कर लेना है। इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और अब इसके अंदर डालेंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना और अच्छे से विस्कर से हमें विस्क कर लेना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप चम्मच से भी कर सकते हो। तो ये सारा मेरा डोसे का ही बैटर बनाते वैसा था। और अब इसके अंदर डालेंगे हम वेजिटेबल, तो मैं ये ले रही हूँ 1 टमाटर। इसी के साथ मैं इसके अंदर ले रही हूँ 2 बारीक मिर्ची जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा कट किया। इसी के बाद मैं ले रही हूँ शिमला मिर्ची और थोड़ा सा मैं इसके अंदर लूँगी पत्ता गोभी। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और इसी के साथ मैं डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको मैंने बारीक कट करके यूज़ किया है। आप अगर इसको और हेल्दी बनाना चाहते हो तो इसके अंदर बीट रूट या फिर कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे गाजर हो गया या अदर और वेजिटेबल। इसी के साथ मैं इसके अंदर डालूंगी मूंग, अगर आपके पास अंकुरित किए हुए हैं तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, मूंग मोठ या चना, उससे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा। इसी के साथ इसके अंदर डालूंगी नमक, नमक आप सिर्फ वेजिटेबल के हिसाब से ऐड करें। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, हमने हरी मिर्ची भी यूज़ की है इसलिए इसके अंदर लाल मिर्ची कम ही लेनी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे बिल्कुल स्किप कर दें अगर आपका बच्चा स्पाइसी नहीं खाता है तो, या फिर आप इसके अंदर रेड चिली पाउडर की जगह पर ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, उसे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो अब मैं नॉनस्टिक तवे पे हमारा बैटर डालूंगी और बैटर जब मेरा रेडी हुआ था उस टाइम पे थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इनो ऐड किया हुआ है और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हम 1-1 चम्मच जितना बैटर तवे पर अच्छे से लगा देंगे। और इसी के ऊपर हम लगाएंगे हमारी वेजिटेबल। अगर आपको इसको और कलरफुल बनाना है तो और बहुत सारी वेजिटेबल ऐड कर ले, या फिर पेपर, कलरफुल पेपर जो आता है रेड हो गया या फिर येलो, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और बच्चों को इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने सबके ऊपर वेजिटेबल अच्छे से लगा दी है। और अब साइड में हम लोग थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे, तो मैं ब्रश से ऑयल लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉनस्टिक तवा है। अगर आपके पास नॉनस्टिक नहीं है तो आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं थोड़ा ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, इसी हिसाब से आप देख सकते हो ऊपर की स्किन हल्की हल्की ड्राई हो गई है। तो अच्छे से हम इस वेजिटेबल को इसके अंदर दबा देंगे और अब इसे हम पलट कर फिर से दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो इसके पहले मैं इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा रही हूँ जिससे हमारी वेजिटेबल भी बहुत अच्छे से दूसरी साइड से फ्राई हो जाएगी। अगर आपको ऑयल नहीं लगाना है तो आप बटर या फिर घी में भी इसे बना सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से पलट देंगे तो आप देख सकते हैं कितना इजीली रिमूव हो गया है और दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा सिक गया है। तो इसे हमें हल्का हल्का दबाकर दूसरी साइड से भी सेक लेना है जिससे हमारी वेजिटेबल अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। और अच्छे से हम सभी को पलट लेंगे और अच्छे से बीच बीच में हमें इसे दबाते रहना है जिससे हमारी वेजिटेबल बिल्कुल भी गिरेगी नहीं और बैटर के अंदर अच्छे से सेट हो जाएगी। और आप चाहो तो इसके ऊपर यहाँ पर बटर, घी या जो भी आपको ऑयल लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सर्व करते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।
इसी हिसाब से आप देख सकते हैं, दूसरी साइड से मैं पलट रही हूँ, हमारी वेजिटेबल अच्छी सी क्रिस्पी हो गई है। तो अगर आपको कहीं सर कच्चा लगता है तो आप उस साइड से उसे अच्छे से पका ले तो ये बिल्कुल अच्छा सा क्रिस्पी हो जाएगा। और ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो आप उस टाइम पे और क्रिस्पी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर सारी वेजिटेबल अच्छे से हमारी क्रिस्पी हो गई है। तो मैं एक पीस आपको उठाकर पास से दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारा बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और बाकी का जो बैटर था उसका मैंने बहुत बड़ी साइज़ का अप्पे बना लिया था, उसके ऊपर मैंने वेजिटेबल को डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, फैमिली और फ्रेंड्स से इसे ज़रूर शेयर करना। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दो, सामने जो बेल आइकन दिए उसे भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी हेल्दी चटपटी सी रेसिपी के साथ जो बच्चों और सभी को पसंद आने वाली है। तो थैंक यू।